हेलो एवरीवन, मैं बीए फोर्थ सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज यूनिट वन से टॉपिक गाइडेंस सर्विस इन स्कूल के अंतर्गत प्लेसमेंट सर्विस पर डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ प्लेसमेंट सर्विस। इससे पहले हम लोगों ने प्लेसमेंट सर्विस की मीनिंग को देखा, फिर ऑब्जेक्टिव्स को देखे, उसके बाद उनकी आवश्यकता क्या है इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसके एरिया पर बात कर रहे हैं कि प्लेसमेंट सेवा किन-किन क्षेत्रों में लागू की जाती है, इसका स्कोप क्या है। तो प्लेसमेंट सेवा तीन क्षेत्रों में लागू की जाती है। पहला व्यक्तिगत निर्देशन यानी पर्सनल गाइडेंस, दूसरा शैक्षिक निर्देशन यानी एजुकेशनल गाइडेंस, एंड तीसरा व्यावसायिक निर्देशन वोकेशनल गाइडेंस। और इन तीनों टॉपिक पर हम लोगों ने पर्सनल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस पर इससे पहले विस्तृत रूप से डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम लोग ये बात करते हैं कि प्लेसमेंट सर्विस कैसे कार्य करती है इन क्षेत्रों में। तो जैसे कि व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ये पर्सनली किसी एक व्यक्ति को निर्देशन किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, उसकी काउंसलिंग ली जाती है इंटरव्यू के द्वारा, या उसके और भी पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, कलीग्स हों, पीयर ग्रुप हों, तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। इस तरह करके निर्देशन सेवाएं व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। लेकिन प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत बच्चे को जॉब या से संबंधित, तो उनको किस तरह का क्या सामंजस्य बैठाना है, कैसे जॉब में जाना है, इन सारी चीज़ों के लिए प्लेसमेंट सर्विस की जाती है। तो जिससे हम देखते हैं कि पहले कि ये जैसा कि दिया हुआ है कि इस प्रकार के मार्गदर्शन में प्लेसमेंट सेवा अपने आप को घर में, स्कूल में और समाज में सही स्थान पर रखने के लिए विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करती है। तो जब वो व्यक्ति का प्लेसमेंट सेवा, जब वो किसी अच्छे जगह पर व्यवस्थित है, उसको इन इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहीं भी सामंजस्य बिठाने में उसको पहले आसानी होती है। लेकिन चूंकि हम लोग स्कूल लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी अगर बच्चे को अगर उसका स्कोप पता हो, उसका प्रिपरेशन वो सही तरीके से कर रहा हो, उनको कहाँ किस जगह में जॉब करनी है, उसके लिए उसको क्या क्या करना है, और उससे उसके पेरेंट्स भी उसके सपोर्ट में हो, टीचर्स भी सपोर्ट में हो, उसके उनको समझ रहे हो, तो ऐसे बच्चों को हर क्षेत्र में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी आसानी होती है। तो छात्र खुद को अब उन जगहों पर प्रतिष्ठित कर पाता है जहाँ से वो अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये भी एक हेल्प मिलता है कि चलो, जब वो छात्र मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, जो उसको अपने सपोर्ट में सही गाइडलाइन मिलती है, तो वो अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसका उत्तम प्रदर्शन कर पाता है, तथा वह अपने शिक्षकों से भी उसको पहचान मिलती है, शिक्षक भी उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, और जिससे उसको अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हमें टीचर्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वैसे छात्र जब वो परिवार में भी अच्छी तरह से रहते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ भी अच्छे से रहते हैं, तो प्लेसमेंट सर्विस जो है पर्सनल पर्सनल गाइडेंस में भी इसकी कार्य करती है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट सर्विस इन एजुकेशनल गाइडेंस।
तो प्लेसमेंट सर्विस शैक्षिक निर्देशन के लिए भी कार्य करती है, जिसमें कि छात्र को नवीनतम सूचनाएं प्रदान करना, जो कि उनके पास कुछ नया पाठ्यक्रम आया हो या कुछ नए कोर्सेस हो रहे हों, इन सारी सूचनाएं छात्रों तक प्रोवाइड कराया जाता है प्लेसमेंट सर्विस के द्वारा। और फिर छात्रों की क्षमता क्या है, रुचि क्या है, उसके अनुसार भी उनको क्या क्या पाठ्यक्रम है जो वो अपने रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, ये प्लेसमेंट सेवा जो है वो छात्रों को उनके अकॉर्डिंग स्कूलों में प्रवेश दिलाने में भी मदद करती है। अगर कोई बच्चे वोकेशनल कोर्स में, विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं या हायर एजुकेशन के भी अलग अलग कोर्स हैं, तो उसमें उनको कहाँ क्या करना है, उनको अपने लिए कौन सा कोर्स उन्होंने चयन किया और उसके लिए कौन सा स्कूल या कॉलेज ज़्यादा बेहतर है, तो प्लेसमेंट सेवा छात्रों को ये इंफॉर्मेशन दिलाती है। साथ ही वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वहाँ के क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं और कैसे वो उसमें प्रवेश पा सकते हैं, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देने के साथ ही उनको प्रवेश दिलाने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही इस सेवा के द्वारा छात्रों को बेहतर और अच्छी प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल जाता है, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करती है। तो ये प्लेसमेंट सर्विस जो है एजुकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में भी कार्य करती है, जिससे कि छात्रों को और बेहतर करने का मौका मिल पाता है। ये उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भी जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो छात्र को उसके ही अकॉर्डिंग उनको बताया जाता है कि किस छात्र में स्पोर्ट्स में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या स्कोप है, उसमें वो किस तरह से कहाँ से वो कोर्स करेंगे या प्रशिक्षण लेंगे तो बेहतर होगा। तो इन सारी चीज़ों को भी प्रोवाइड कराया जाता है जानकारी, जिससे और साथ ही ये प्लेसमेंट सेवा जो है वह ऑलराउंड डेवलपमेंट की मार्ग को प्रशस्त करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट सर्विस इन वोकेशनल गाइडेंस। तो प्लेसमेंट सेवा वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन में भी काफ़ी मददगार होती है। इससे यह सेवा लोगों को या छात्रों को उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करती है, और जो कि उनकी पसंद के अनुसार हो, तो ये काफ़ी यहाँ भी मदद करती है। और प्लेसमेंट सेवा से सर्विस से हम लोग यही समझते हैं कि किसी का कहीं, जो सामान्य भाषा में आम लोग समझते हैं कि कहीं किसी के अच्छी जगह पे जॉब हो जाना, किसी ने कोर्स किया और उसके बाद उसको प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग समझते हैं कि वो कहीं जॉब में सेटल हो गया, तो उसके अनुसार ये सेवा जो है उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करती है। ये एक जिनको एम्प्लॉय की ज़रूरत है और जो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, दोनों के बीच एक कोरिलेशन का कार्य करती है। या कोई अगर वोकेशनल कोर्स में जाने कर संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ भी ये मदद करती है। तो ये अगर कोई बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको आर्थिक प्रॉब्लम है, तो पार्ट टाइम जॉब की भी प्लेसमेंट सेवा के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे बच्चे पार्ट टाइम जॉब करने के साथ ही अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं आगे, जिससे कि उनका जो सीक टू अचीव गोल यानी कि कोई लक्ष्य अगर वो पाना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपना लर्निंग को कंटिन्यू रखकर वो अपने गोल को पा सकते हैं। तो पर्सनल प्लेसमेंट सर्विस जो है वोकेशनल गाइडेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य करती है, जिससे कि किसी भी छात्र को उनके व्यावसायिक एजुकेशन के साथ ही स्वरोजगार के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, सेटल करने के साथ ही उनको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के बारे में जानकारी देना,
और उनके साथ उनका प्लेसमेंट कराना, ताकि वो उनका जॉब में जो है वो जॉब पा सके। यहाँ तक इस क्षेत्र में भी ये काफ़ी कार्य करती है।